हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो बेस्ट फायर बटन साइज फॉर वन टैप हेडशॉट। गाइस सर ऐसी तो बहुत सारी वीडियो हैं जिसको ऑलमोस्ट आप लोग ने देखा रहेगा। गाइस सर कोई भी बंदा कंफर्म नहीं करता कि एक परफेक्ट लेवल का वन टैप हेडशॉट मारने के लिए लोगों के फायर बटन का साइज कितना होना चाहिए। यस गाइस सर इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं कि ऑल डिवाइस के ऊपर की आप लोगों का परफेक्ट फायर बटन की साइज कितनी होनी चाहिए। एंड यार ऑलमोस्ट आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो गाइस सर कभी भी आप लोगों को अपने फायर बटन की साइज चेंज नहीं करना पड़ेगा। एंड यार एक परफेक्ट प्लेसमेंट भी बताने वाला हूँ। यार उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना कि आप लोगों को इससे ओपी लेवल की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलने वाली है। चलिए गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने हम लोग कस्टम एचओडी के अंदर। यार एक परफेक्ट लेवल का वन शॉट मारने के लिए कभी भी गाइस यार आप लोगों का एक प्लेसमेंट फिक्स होना चाहिए। यार कभी भी गाइस यार आप लोगों को हमेशा अपने फायर बटन का साइज चेंज नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे आता है हाई डिवाइस एंड लो डिवाइस के ऊपर। एंड यार काफी सारे प्लेयर्स हैं जो मुझे पूछ रहे थे भाई यार एक परफेक्ट पोजिशन की एंड यार एक परफेक्ट फायर बटन साइज कितनी होनी चाहिए जो कि लो डिवाइस एंड हाई डिवाइस के लिए होनी चाहिए। तो देखो यार अगर आप लोगों को एक परफेक्ट लेवल का अपने फायर बटन साइज रखना है एंड एक प्लेसमेंट पे रखना है तो आप लोगों के डिपेंड करता होता है कस्टम एचओडी के ऊपर। एंड यार मेरी कस्टम एचओडी कुछ इस तरीके से। एंड यार मैं आप लोगों को बता दूं कभी भी गाइस यार एक प्लेसमेंट पे रखने के लिए अपने फायर बटन को वो बहुत ही जरूरी है कि आप लोग कितना दूरी पे रखते हैं अपने क्राउच वाले बटन एंड जंप वाले बटन के हिसाब से इस तरीके से। यार जितना ही आप लोगों को कवर मिलेगा अपने फायर बटन को दूर रखने के लिए उतना ही ज्यादा इजी होगा आप लोगों को रोटेशन रहेगा एंड वन टैप हेडशॉट। एंड ऐसे बहुत सारे प्लेयर है जो कि ऑलमोस्ट ये भी गलती करते हैं कि गाइस यार वो अपने फायर बटन को ऊपर की तरफ रख देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड यार जिसको ऑलमोस्ट यार लॉन्ग रेंज में काफी ज्यादा कवर करने में इजी होता है बट गाइस यार सिचुएशन यहां से चेंज हो जाता है कि शॉर्ट रेंज में कभी भी उनका वन टैप हेडशॉट नहीं लगता है। एंड यार वो मिस्टेक होती है अपने फायर बटन को कुछ ज्यादा ही ऊपर की तरफ रख देना। एंड यार इसको मैं आप लोग मेरी वीडियो का क्लिप में देखोगे तो गाइस यार मैंने अपने फायर बटन को जस्ट ऊपर की तरफ रखा है। एंड यार यहां पे मैं ट्राई कर रहा हूं तो इजीली तरीके से लॉन्ग रेंज में वन टैप हेडशॉट लग जा रहा है बट गाइस यार आप लोगों को अगर मैं दिखा दूं कि यहां पे शॉर्ट रेंज में मैं ट्राई कर रहा हूं किसी भी तरीके से एंड किसी भी पोजीशन में तो कभी भी आप लोगों का वन टैप हेडशॉट नहीं लगेगा। तो गाइस यार उसके लिए डिपेंड करता है कि आप लोगों का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। अब देखो यार प्लेसमेंट की बात कर ली आप लोग जिस तरीके से मेरी कस्टम एचओडी के अंदर देख रहे हो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को परफेक्ट लेवल का प्लेसमेंट अपना फिक्स करना है। एंड यार आप लोगों को अपने क्राउच वाले बटन एंड जंप वाले बटन से कुछ दूरी बना के अपने फायर बटन को रखना है। तो ऑलमोस्ट अभी साइज की बात कर लीजिए कि हर डिवाइस के लिए एक परफेक्टली साइज क्या होना चाहिए तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी डिवाइस के ऊपर। एंड यार आप लोग एक परफेक्ट लेवल का कस्टम एचओडी के अंदर अपने फायर बटन को रखने के लिए कभी भी गाइस यार आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को अपने डिवाइस के हिसाब से 40 से लेकर 60 के बीच में जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ बट गाइस यार इसमें मैं आप लोगों को कंफर्मली बता दूं कि आप लोगों को कभी भी गाइस यार अपने फायर बटन के साइज 40 से स्टार्ट करना है। एंड यार आप लोगों को कभी भी 50 के अंदर ही रखना है अपने फायर बटन को। एंड यार अगर ऑलमोस्ट आप लोग एक 49 अगर मेरी बात कर ली जाए तो मैं अपने फायर बटन के साइज 49 पे रखा हूँ जो कि गाइस यार काफी ज्यादा बेटर तरीके से वन टैप हेडशॉट लगता है। वही बात कर लीजिए 40 की तो 40 से भी गाइस यार काफी ज्यादा इजीली तरीके से लगता है। एंड तो चलिए मैं इसको आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस यार मैंने अपने फायर बटन के जस्ट साइज को रखा है 40। एंड यार वहाँ पे वन शॉट के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो काफी ज्यादा इजीली तरीके से लग रहा है। तो आई होप कि आप लोग अगर आप लोगों का लो डिवाइस है तो आप लोग 40 का साइज भी रख सकते हो अदरवाइज 45 भी रख सकते हो। यार वही बात कर लीजिए हाई डिवाइस के ऊपर तो आप लोग 49 तक के बीच में रख सकते हो। एंड यार यहाँ पे काफी ज्यादा इजीली तरीके से आप लोगों का वन शॉट लगेगा। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। एंड यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। एंड यार चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।